वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक को दिल से स्वागत है। आज है रियलिटी, मैं आपको दिखाऊंगा लेबर कैंप इन दुबई। ये लोग लेबर कैंप में दुबई में कैसे रहते हैं, ये एक रोल मॉडल है आपके लिए। ये एक गरीब माँ के बेटे हैं जो पेट काट काट कर खुद अपना खाना बनाते, पीछे लड़का अपना खाना खुद बना रहा है। यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, पर इनको रहने का जो खर्चा है इनकी जो कंपनीज ने दिया हुआ है, बाकी रही बात ट्रांसपोर्ट की बात करें वो इनको कंपनी देती है, रहना फिर लेकिन खाने का खर्चा मेरे ख्याल से ये लड़के खुद में दिख रहा, ये अकेला नहीं बना रहा, चार पाँच गैस देख सकते सिलेंडर इनको खुद बनाना पड़ता है, कंपनी देती। पर गाइस आपको वीडियो को दिल खोल के लाइक करना, एक इज्जत करनी है। एक लेबर आदमी असली हीरो होता है जो पेट काट के लेबर गर्मी में जून जुलाई में करके दिखाई दुबई में और पैसे इंडिया किसी और कंट्री भेजता है और उन बहन को पढ़ाता है, भाइयों को पढ़ाता है और माओं को दो वक्त की रोटी देता है। तो वेलकम करेंगे कि ऐसा ही रोल मॉडल मेरे सामने जो मुझे यहाँ पर मिला है, उसका पूछेंगे उसका नाम क्या है और वो कब से यहाँ पर दुबई आया और कितने पैसे लेबर के यहाँ पर बन जाते हैं। चलिए वेलकम करते हैं इस लड़के पर। आपने वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वेलकम करूंगा सर मैं आपको अपने शो पर। क्या नाम है आपका बताएं? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार कहाँ से हो आप? इंडिया। बिहार? यूपी। मुकेश कुमार जी हीरो हैं, ये यूपी से हैं, इंडिया से। मुकेश आप यहाँ पर कब आए थे दुबई में? आए थे जनवरी में। जनवरी में आए, एक साल हो जा रहा ना? हाँ, एक साल होने जा रहा। आप कैसे आए थे यहाँ पर? आए थे दुबई में फ्लाइट से आए थे। नहीं, वीजा किसने दिया फ्लाइट? वीजा तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजेंट दलाल। नाम मत देना। कितने पैसे लिए थे एजेंट ने आपसे? एजेंट तो 70,000 लिया था। अच्छा, आपका लेकिन काम कर दिया? हाँ, काम कर दिया। तो 70,000 रुपए लिए, किस जॉब के लिए आपको लेबर जॉब के लिए? पेंटर के लिए आए थे। तो मुझे बताओ मुकेश कुमार जी, यहाँ पर आप 70,000 रुपए लेकर, कितनी आपकी यहाँ पर सैलरी है? सैलरी तो कंपनी जितना देते हैं रफली, इंडिया से कितनी बनती है, एवरेज बता दो। इंडिया से कितना बनता महीने का? इंडिया तो इससे अच्छा इंडिया बन जाता है। नहीं नहीं, कितनी सैलरी कितनी है आपकी? इधर इंडी दुबई में सैलरी तो 1200 है। 1200 भी बता रहे, 1200 धर्म है जो कि इंडिया के हिसाब से बन जाती है 22-25 हज़ार बन जाती है। तो पर रहने का खर्चा आपका फ्री है ना, ट्रांसपोर्ट फ्री है? कंपनी सिर्फ कैंप देती है खाना हम लोगों का। खाना रहना तो फ्री है भाई, खाना कंपनी खाना मैंने बोले सॉरी समझ नहीं पाया, खाना देना रहना फ्री है, जहाँ रहना कमरा भी खाएगा और इवन की यहाँ पर कितने दिन काम करते हैं आप? काम तो हम लोग का जुम्मे का छुट्टी रहता है, एक छुट्टी फ्राइडे छुट्टी होती है, पॉइंट नोट की फ्राइडे छुट्टी होती है। और कितने घंटे काम होता है, क्या रूटीन है आपकी? हम लोग का 8 घंटे का 1200 आता है, 800 प्लस 400, 800 बेसिक है, 400 खाने का देता है कंपनी। ओवरटाइम के पैसे मिलते हैं तो पैसा देता है, उसी में काट लेता है। तो मुझे ये बताओ, आपने कहा है कि चलो 1200 धर्म बन जाता है, आप ऐसे पेंटर लेबर जॉब करते हो और अपना कमरा भी दिखाओगे मुझे, और आपने ये भी बड़े आराम से कहा है कि जो भी लोग आ रहे ध्यान से एजेंट से बचकर आए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पर एज ए दोस्त पूछूंगा, एज ए यूट्यूबर ने, क्या यहाँ पर टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है? जो इतनी एजेंट आपको यहाँ पर भेजते हैं टूरिस्ट लगा के, क्या सिस्टम है उनका? पहले तो एजेंट भेजता है इधर दुबई आने के लिए, उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पे उतरने के बाद तो पता नहीं चलता है कोई आएगा लेने या फिर नहीं आएगा। ठीक है, इधर भी एजेंट है उसका, आ जाता है, कभी वेट करो 5-6 घंटा एयरपोर्ट पे बाहर बैठो, उसके बाद आता है एजेंट तो पता करता है कौन सा कंपनी में लेकर जाना, इधर उधर दौड़ाता है। उसके बाद मतलब कोई कंपनी करना पड़ता है, कोई कंपनी जैसे उसको लेबर की जरूरत है तो उसमें ले आकर डाल देता है। ओके, ये नहीं घर से क्लियर नहीं है किस कंपनी में जाना है और कौन से कंपनी में जानेगा, वो तो भाई इधर का एजेंट जानता है। वहाँ सपने में कुछ दिखाता है, हकीकत में यहाँ पर कुछ है, ये कहना चाहते ना, ना सपने वहाँ पर कुछ दिखाए जाते हैं, हकीकत में ये कह रहे हैं। चलो ये तो क्या एक एजेंट की बात करते हैं, लेकिन अब तो आपको माशाल्लाह काम थोड़ा मिल गया है ना, काम मिल गया, आपका पैसा भी बन जाता है। पर जो मुझे ये बताएं, आपने बुर्ज खलीफा देखा कोई? घूमे नहीं, कुछ टाइम नहीं मिलता, पैसा भी नहीं, पैसा 10 महीने हो गया, आईडी नहीं हुआ अभी तक, मेरा मेडिकल नहीं कराया, ना मेडिकल कराया है, ना मेडिकल कार्ड दिया है, ना इंश्योरेंस है, ना किसी चीज़ का फैसिलिटी नहीं है कंपनी में, बस पैसा दे दिया लेकिन सैलरी देता है महीने पे
बस वही देता काम करो। देखो मेडिकल नहीं दिया, बीमार हो जाए इसको कौन देखेगा, ये सही हाँ, कह रहे मान लीजिए किसी नहीं बुखार हो जाए हाँ, इधर तबीयत खराब हो गया। आप पेंटर का काम करते हो तो 6 बजे जाते हो, शाम को 6 बजे आते हो? वो तो कंपनी की बात है। रफली कितने? रफली हम लोग 12 घंटा हो जाता है। फिर आ जाते, 1 घंटा ब्रेक देते होंगे ना खाने के लिए। बस तो रूम से निकलो, रूम पर आओ, 12 घंटा हो जाता है। ये लड़का मेरे 1 साल से आया और एक लड़का एक बार भी ब्रुजा कहीं नहीं गया है, कह रहा है यहाँ के हालात बहुत खराब है, लेकिन आप एक अच्छा एजेंट मिल जाए तो जिंदगी अच्छी है, बुरा मिल गया तो बुरी है। लेकिन दुबई अच्छा है, दुबई के बारे में गलत नहीं, दुबई तो सही है, दुबई सही, दुबई इनको पैसा दे रहा है, दुबई के बारे में गलत नहीं कह रहा है, उन्हें भी एजेंट की बात कर रहा है कि एजेंट से बच के रहो, फ्रॉड से बच कर। दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे इनके शू रैक बाहर हैं, इनके शू रैक बाहर हैं और ये पानी की बोतल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कमरे में इनकी जो हालत है, यहाँ पर इनके गॉड हैं, 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड 5 बेड 6 बेड 7 बेड 8 बेड 8 बेड के लड़के हैं ये लड़का, वही मुकेश है, यहाँ पर रहता है और इसका कमरा ऐसे देखिए, यहाँ पर कोई वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं, हाँ एक एसी जरूर लगा है, मैं यही नहीं कहूँगा, देखिए आप देखते एसी लगा हुआ है लेकिन वेंटिलेशन कुछ नहीं है। कैसे ये लोग रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कहते घर की मजबूरी आदमी को बहुत कुछ सिखाती है और मैं इनकी मजबूरी को सलूट करूंगा। देखो मैं तो वीडियो बना के अपने घर चले जाऊंगा, पर जो ये लोग रह रहे हैं इनकी हालत आप देख सकते हो, कैसे इनकी हालत है आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि ये लोग किस तरह रह रहे हैं। तो गाइज आप भी जिसने भी दुबई आना है, इवन की स्टार्टिंग जॉब करनी है, आपको मैं यही कहूँगा थोड़ी मेहनत करो, मैं ये नहीं कहता डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा तैयारी जरूर कर कर आना। जो सपने वो दिखाए जाते हैं वहाँ पर, वो सपने यहाँ पर मुकेश जी नहीं हैं, मुकेश जी सही कह रहे हैं, पर मेहनत करो, दुबई अच्छा है, दुबई में कोई कमी नहीं है, दुबई दुबई बेस्ट है, लेकिन एजेंट के फ्रॉड से बचो और थोड़ा सा अपने को मेंटली प्रिपेयर करो, क्या आप ऐसे रहकर मेहनत कर सकते हो? आज मेहनत करोगे कल यूरोप जाओगे, फिर यूके कनाडा जाओगे, पर आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। थैंक्स मुकेश जी आपका बहुत बहुत, आपने मुझे कमरा दिखाया, गॉड ब्लेस यू। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मैंने पूछ लिया है पर गाइस यही आपके हीरो हैं, आप भी बाहर आओ, ऑनलाइन सीन कलेक्ट करो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गल्फ हैं, इंडीड है, ग्लास डोर है, आपको पता है लिंडन है, सीवी डालो, कवलेट डालो और बिंदास अप्लाई करो, एजेंट से कम्बक पढ़ो। जो अच्छी कंपनी होती है वो आपसे एक पैसा लेती है, वो आपको मेडिकल सर्विस भी देती है और आपका वीजा भी डालती है। अगर आप एजेंट के थ्रू आओगे कमजोर हो तो आपके पैसे भी खाएंगे और आपको तंग भी करेंगे, और देखो सोच कर देखो अब दुबई ये थोड़ा पता आपको ले लेना है तो आप कहाँ जाओगे। तो गाइस प्लीज़ यही था आज का वीडियो, आप कमरे का टूर भी देंगे, कमरा दिखाएंगे भाई साहब में कमरा कैसा है, और आप भी बिंदास होकर किसी मार्केट में जाओ। आगे अगर यूरोप जाना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो दिल खोल कर लाइक कर दीजिए। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।